हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं सुबह जल्दी उठ गया था 6 बजे। अब मैं लेके जा रहा हूँ दूध भाभी जी के लिए ऊपर। अब एंट्री, रात को एंट्री नहीं थी, रात को हम गाड़ी में सोए थे तो बहुत भयंकर सर्दी हो रही है यार, रेड फेस हो रहा है मेरे सर्दी की वजह से। ये लेके आ गए ऊपर, बिस्तर वगैरह देके आए थे, अब गाड़ी में रखना है इनको। और गाइस आप सर्दी देख सकते हो, रात को कैसी सर्दी हो रही होगी। देखो बाहर कांच पे पानी पानी, ये फोक का पानी है सारा, देखो। और इस कार के अंदर सो रहे थे हम रात को, क्योंकि अंदर तो अलाउ था नहीं। पीछे वाला कांच दिखाता हूँ आपको, देखो फोक का पानी है, इतनी भयंकर सर्दी हो रही थी। ऐसी अंदर की साइड हो रखा है इतना, रात को इतनी भयंकर सर्दी थी। हम तो एक ही ब्लैंकेट में सो रहे थे, इस कार में सो रहे थे, बहुत भयंकर सर्दी थी। आपको मैंने दिखाया फोक कितनी भयंकर हो रही है कांच पे। और अभी तो फिर भी टाइम क्या हो रहा है, टाइम बताता हूँ मैं आपको। अभी टाइम हो रहा है 8 बजने वाला है, 7:52 हो रहा है। ये भी ठंडी पड़ गई। अब भैया बैटरी वो कर रहे हैं, इसकी छेड़ रहे हैं, स्टार्ट हो जाए, ट्राई करते हैं। करूँ क्या, देखो स्टार्ट नहीं हो रही। अभी हो गई, स्टार्ट तो हो गई है। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं पनीर लेने, डॉक्टर ने बताया भाभी जी के लिए पनीर लेके आना है, तो पनीर लेने जा रहे हैं। अब तो देखते हैं आसपास कहाँ मिलता है। यहाँ पे हम आए पनीर लेने, भाभी जी को डॉक्टर ने बताया तो वो लेने आए अभी, और भैया लेने गए हैं पनीर। मैं गाड़ी में बैठा हूँ अभी, ऊपर मिठाई की यहाँ से स्वीट की शॉप है तो वहाँ जा गए हैं वो पनीर लेने। लेके आ गए भैया, यहाँ रख देते हैं भैया। तो हम नहाने जा रहे हैं, यहाँ गाड़ी पार्क कर दी हमने, यहाँ पास में ही शौचालय है, शौचालय है ना, हाँ वहाँ जा रहे हैं नहाने। और मैं गाड़ी में बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे पास तो कार थी तो हम रात को कार में सो गए, लेकिन ये देखो बाहर ही सो रहे थे रात को भी, दिख रहा है आपको। ये देखो अभी धूप आई है थोड़ी, तो ये धूप की वजह से हम बाहर आके इस टेबल पे सो गए हैं यहाँ पे। भैया ना क्या गए हैं, और ये खाना भी आ गया घर से। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, खाना पकड़ाना है, फिर मैं निकलूंगा घर पे। भैया बोले मैं छोड़ दूंगा, देखो आ गए हैं हॉस्पिटल। अब ये सामान अब जा रहे हैं ऊपर हॉस्पिटल भाभी जी और बुआ के पास। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घर पे, ना नहाया हूँ ना खाना खाया हूँ, अब जाके खाएंगे। मेरे भैया जाके खाना खाएंगे, पहले नहाएंगे। भैया तो नहाए, मैं नहीं नहाया। तो गाइस अब रुके हैं मिठाई लेने के लिए, डॉक्टर को मिठाई देनी है, लड़का हुआ इनको, तो उनके बंगले पे जाके देके आएंगे। भैया चलते हैं बंगले पे, जाए उसी क्लिनिक जाए, मेरे को तो पहले घर पे चढ़ेंगे, उसके बाद उसके बंगले पे जाके मिठाई देके आएंगे। तो यहाँ से ले रहे हैं ये दूध मिष्ठान भंडार से, दिखाता हूँ आपको, मैं भी जाता हूँ, बुलाया उन्होंने। तो फ्रेंड्स ले लिए यहाँ की फेमस है जयपुर की DMB दूध मिष्ठान भंडार। तो चलते हैं घर पे यार, बहुत तक गया, जाके नहाऊंगा फिर सोऊंगा। रोज बोल रहा हूँ लाइब्रेरी जाऊंगा, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा। सो गाइस मैं सो गया था आके, और अभी उठा हूँ, तो अब थोड़ी देर नन्नू को बुलाते हैं यहाँ पे। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कहीं पे जाने की, सर्दी हो रही है बाहर भयंकर। आया कपड़े चेंज किए और सो गया मैं तो। और अभी टाइम हो रहा है समथिंग 6 बज गए अभी, तो अभी मैं नन्नू को कॉल करूंगा, नन्नू आ जाए तो सही है, वरना फिर देखते हैं क्या करना। आते आते मेरे को 4 बज गए थे, फिर सोया, फिर थोड़ी देर तो नींद नहीं आई, फिर दोस्त का फोन आ गया, फिर उससे बात होने लग गई, फिर उसके बाद थोड़ी देर सोया। अभी 6 बज रहे हैं, अभी उठाऊँ। अब नन्नू को कॉल किया है, उसको बुलाया कि आ जा थोड़ी देर। मेरे तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है बाहर जाने की, सही बताऊँ बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही बाहर जाने की।
तो वेट करते हैं थोड़ी देर आ जाए तो ठीक है, वरना घर वाले के पास जाके बैठेंगे थोड़ी देर। अभी खूब दिन हो गए साथ में बैठ ही नहीं पा रहा, उनसे बात ही नहीं हो पा रही। कभी कहाँ बिजी हूँ, कभी सीकर जा रहा हूँ विशाल के पास, पतंगों में बिजी था, ये वगैरह वगैरह, तो बिल्कुल साथ नहीं बैठ पा रहा। तो ठीक है थोड़ी देर देखते हैं। नन्नू आ गया, कितने दिनों बाद दिखा ये ब्लॉग्स में, वैसे परसों दिखा था ये, तो कल मैं वहां चला गया फिर सिक्कर ऐसे घूमते। तो गाइस मेरे को मैच का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल भी। इस नन्नू को बहुत शौक है, अभी भी फोन लेके बैठा है, ये फोन लेके बैठा है, अभी भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैच ही देख रहा है अभी ये। अभी तो ऐड आ गया इसके अंदर, इसको पता है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है मेरे को पता भी नहीं, मैं देखा भी नहीं। शुभमन गिल ने डबल 100 मारे जो कि अलग तेज बोल यार, अपने पास स्पीकर नहीं है, माइक नहीं है अभी, तो उसके अंदर थोड़ा मेरे को लाउड बोलना पड़ता है, बता। तो भाई आज शुभमन गिल ने डबल 100 मारा जो कि एक अलग ही रिकॉर्ड है भाई, मजा आ गया। दो शतक मार दिया, दो डबल दोहरा शतक भाई, 200 रन। यार मेरे को बिल्कुल शौक नहीं है मैच देखने का ना खेलने का, मेरे को फुटबॉल पसंद है। ये देखो रवि, इनके 3 विकेट भी हो चुके हैं, देखो यार मजा आ रहा है मैच देखने। इसको बहुत शौक है मैच का, बहुत ही ज्यादा कीड़ा है मैच का, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी भी लगा हुआ है ये फोन पे, जब से आए बातों में नहीं लग रहा, बस फोन में देखे जा रहा है। सो फ्रेंड्स अब मैं खाना लेके आ गया हूँ, खाना खाते हैं जल्दी से और फिर उसके बाद तो सोना है, जल्दी से खाना खाते हैं। आलू मटर की तो सब्जी है, रोटी है बस। सो फ्रेंड्स खाना वाना खा लिया, इतनी देर में दादी जी और मम्मी वगैरह के पास बाहर बैठ गया था, मतलब वो आग जला रखी थी उन्होंने हाथ से देखने के लिए, तो वहाँ बैठ गए थे। अब आज के ब्लॉग को एडिट करना है और फिर सोते हैं यार, आज बहुत ज़्यादा थक गया। वैसे आज कुछ स्पेशल तो हुआ नहीं, बस नॉर्मल, मैं ट्रैवलिंग वहाँ से हॉस्पिटल से आया, फिर आके सो गया और फिर खाना वगैरह कुछ ही नहीं हुआ आज का। तो आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे इसको लाइक करना, कमेंट करना, इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।